दोस्तों, मैं सुशील तिवारी इस समय यहाँ पहुँचा हूँ शमशान घाट, और हमारे साथ देख रहे हैं संजय राय सिरपुरिया, जो कि गाजीपुर के लिए महामानव है, मैं आपको बताऊं। और ठीक मेरे बगल में है, और आप देख रहे हैं एक ऐसा नाम युवा से लेके एक बढ़िया काम कर रहे हैं इस महामारी में। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, एम्बुलेंस आपने गाजीपुर के लिए लेकर लाए, ये कहाँ तक और कब तक रहेगी? हम लोग शुरू में जब आए थे अप्रैल के महीने में, हमने तय किया था कि 2 हफ्ते के लिए रहेंगे, लेकिन इस परिस्थिति को देखते के लिए अगले 2 हफ्ते और हमने बढ़ा दिया है, और जरूरत पड़ेगी तो उसको और आगे बढ़ा दिया जाएगा। तो हम यहाँ के जनता के लिए आए हैं, उनका स्वास्थ्य लाभ हो, यही हमारा ध्येय है। इस महामारी में मैं बात करूं तो हर जगह जहां भी हम जाएं संजय राय सिरपुरिया का नाम आ रहा है। और सर, इस महामारी में डरते नहीं हैं क्या आप? आज सभी लोग घर में छिपे हैं, मगर मैं जहां भी देखता हूं आपका नाम और हर जगह आप इस समय महामारी में जा रहे हैं, डरते नहीं क्या? ज़रूर डरते हैं ये, लेकिन सुरक्षित रहते हैं, और जो COVID-19 का गाइडलाइन है उसको हम फॉलो करते हैं, जो उनके सुरक्षा के मानक है, मापदंड है, उसके हिसाब से हम काम करते हैं। हमारा आग्रह है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, इसे लड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जो स्वास्थ्य मंत्रालय का मानक है उसके हिसाब से रहेंगे तो कोरोना आपके पास कभी नहीं आएगा। कोरोना आपके पास तब पहुंचता है जब आप लापरवाही करते हैं, तो इसमें डर की ज़रूरत नहीं है। सर, मैं गांव से हूं और शमशान घाट गाजीपुर मूल केंद्र है ये, मगर मैं उस पार से, मैं एक पत्रकार के माध्यम से, एक बेटे के माध्यम से आपसे पूछना चाहूँगा, जो गंगा नदी से सटे गांव है, गंग बरार के क्षेत्र हैं, अगर उस शमशान घाट में वहाँ पर लकड़ियों की ज़रूरत हो तो उसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, ये तो अभी शुरुआत हुई है, इसीलिए हमने इसका नाम लकड़ी बैंक रखा है, और ये जन भागीदारी से किया जा रहा है, जनता के द्वारा किया जा रहा है। मैं केवल इसका एक माध्यम बना हूँ, और ये लकड़ी बैंक को धीरे धीरे बड़ा किया जाएगा, और जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी उसको पहुँचाई जाएगी। यह लावारिस लाशों के लिए, जो ऑलरेडी यहाँ पे वीरेंद्र कर रहा था, हमने उनको बल देने के लिए किया, और वो लोग जो सक्षम नहीं है, जिनकी क्षमता नहीं है कि भाई इस समय में जो लकड़ियों की कालाबाजारी हो रही थी, वो लकड़ी बैंक बनने से कालाबाजारी बंद हो गया है, और अब लकड़ियाँ इतनी हो गई है कि घटेगी नहीं, और जो सरकार का माना हुआ मूल्य है उसी मूल्य पर लकड़ियाँ ही उपलब्ध होगी। और मैं जनता से भी आग्रह करूँगा कि जो यहाँ पे लोग काम करते हैं उनके लिए भी आप थोड़ा ध्यान दें। एक और मैं आपसे बात पूछना चाहूँगा, गाजीपुर में युवाओं के लिए जो ड्रीम प्रोजेक्ट आपने रखा है रोज़गार के लिए, करेला में बहुत बड़ा प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज किया था, उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे रोज़गार के लिए? देखिए, अभी रोज़गार के विषय महामारी का है, तो मैं युवाओं से कहूँगा आप सुरक्षित रहें, घर में रहें, स्वस्थ रहें, कोविड के प्रोटोकॉल को फॉलो करें, और जो ही कोई सिम्टम्स आपको नज़र आता है तुरंत दवाई लें, इसमें कोई ढिलाई ना करें, और पहले दवाई ले लें फिर जांच की प्रक्रिया शुरू करें। इससे क्या होगा कि आप कम से कम दूसरे को वायरस नहीं फैलाएंगे और तुरंत उसकी रोकथाम की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो युवाओं से कहूँगा कि अभी इस समय घर में रह करके, सुरक्षित रह करके, और जो सरकार का मानक है इसको फॉलो करने के लिए वो फॉलो करें। हाँ, ये आपका जो प्रश्न है ये बिल्कुल ठीक है, हम पिछले 3 हफ्ते से लगातार जांच कर रहे हैं, तो गांव के अंदर अभी भी एक डर का माहौल है कि शायद हम कोविड पॉजिटिव हो जाएंगे तो हमको एम्बुलेंस में भर के ले जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, सरकार ने ये तय किया, घर घर जांच करनी है, उसमें सरकार गाजीपुर जिला प्रशासन को मदद कर रहे हैं, और उसके माध्यम से हम जनता को ये कहना चाहते हैं, इसमें डरने की ज़रूरत नहीं, इसे लड़ने की ज़रूरत है। आप सामने आएँ, चेक कराएं, और आपको अगर मिलता है तो प्रशासन आपको पूरी मदद के साथ खड़ा है, और हम भी उस प्रशासन के मदद में साथ खड़े हैं। बहुत सारे गरीब परिवार के लोग हैं सर, जो कि यहाँ नहीं आ पाएंगे, मैं आपसे बताना चाहूँगा, अगर आपके नंबर पे या फिर आपके टोल फ्री नंबर पे अगर आप संजय राय सिरपुरिया को कोई याद करे, मैं लकड़ियों की बात करूँ, तो आप उन लोगों को क्या कहेंगे मेरे चैनल से? आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि ये घाट में अभी तुरंत कल से ही व्यवस्था हो गई है, आप आएँ, और यहाँ के जो फाउंडेशन है संत सुपन भगत उत्थान के, वहाँ पे श्री कृष्ण कुमार जी है, और राजकुमार जी है, कमलेश जी हैं, उसके साथ विनोद है, ये इनकी हमने एक समूह बना दिए है, और संत सुपन भगत उत्थान फाउंडेशन इसकी देख रेख के, उसके तत्वाधान में ये सारा काम किया जा रहा है। यहाँ आएंगे, अगर आप सक्षम नहीं हैं, आपको लकड़ी मुफ्त ज़रूर मिलेगी, इतनी व्यवस्था की गई है। यहाँ पे लोग अगर आते हैं तो वो लकड़ियाँ मिल जाएंगी जी। इस महामारी में सर आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
देखिए, आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। एक बात और कहना चाहूँगा कि जो भी लोग ये बैकुंठ धाम आते, कम से कम लोग आएँ। जितनी 3-4-5 लोगों की जरूरत है, 5 लोग ही आएँ, ज़्यादा संख्या में ना आए, ताकि यहाँ पर भीड़ भड़क्का ना हो, वायरस को रोका जा सके। बहुत मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो भी लोग अभी इस कोविड की महामारी में शव को प्रवाह कर रहे हैं, गंगा हमारी माँ है, उसको दूषित ना करें। आप अगर सक्षम नहीं हैं तो प्रशासन को फ़ोन करें, प्रशासन आपको व्यवस्था देगी। उसके साथ साथ हमारी संस्था भी अभी अगले 3-4 दिन में यहाँ पे एक शव वाहिनी तैयार हो जाएगा, कहेंगे वहाँ से उठा के ला के हम उसके अंतिम संस्कार करेंगे। और संत सुपन भगत फाउंडेशन पूर्ण रूप से उसके लिए तैयार है। यूथ रूरल एंटरप्रेन्योर फाउंडेशन इससे कटिबद्ध है कि जन जन तक ये चीज़ों का अंतिम छोर में जो गरीब लोग बैठे हैं, जो आदमी लकड़ी खरीदने के लिए पैसा नहीं है, उनके लिए लकड़ियाँ मुफ्त है। आप गंगा को दूषित ना करें। और मेरा आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि गंगा नदी में, माँ गंगा में शव को आप प्रवाह ना करें। बहुत बड़ी बात की। मैं आपसे बताऊं, गाजीपुर के कैसे महामानव जिन्होंने महामारी में इस विकट परिस्थितियों में आम लोगों के दरवाजे तक जाने के साथ साथ ये ऐसी व्यवस्था की है। मैं सुशील तिवारी, अपने चैनल से आपका बेटा, आपके चरणों में फिर एक बार प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दिखाना चाहूँगा सुशील, बैनर लगे हैं यहाँ पे, मैं अपने सहयोगी कैमरामैन से चाहूँगा, ये बैनर लगे हैं कोविड-19 सहायता हेतु लकड़ी बैंक सहायता राय संजय राय सिरपुरिया, यहाँ पे देख रही है भैया, ये लकड़ियों की ऐसी ढेर है। मैं कोई बड़ा पत्रकार नहीं, एक छोटा सा गरीब घर का हूँ, मैं आपसे बताना चाहूँगा, गांव से जुड़ा हूँ, पहली बार इनसे मिला था, मैं प्रभावित हुआ एक बार फ़ोन करने पे, मेरे फ़ोन को ये उठाते हैं, मैं सुशील तिवारी, यहाँ पे ये लकड़ियाँ डंके की चोट पे इन्होंने कहा, किसी भी गांव के लोग अगर मुझे याद करते हैं वो समस्याएं, उस समस्याओं का निष्पादन करेंगे। मैं सुशील तिवारी फिर एक बार इनके कहने पे हर गांव के शमशान घाट तक जाऊंगा ग्राउंड जीरो से। और मेरे चैनल को देखें, ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो कैसा लगा, सीखने की शुरुआत मैं कर चुका हूँ। फिर एक बार मिलते हैं किसी और दौर पे, किसी और गाँव में। धन्यवाद।